भाजपा में ये प्रथा है, पता नहीं कौन तो लड़ेगा कौन ना लड़ेगा और कौन सी भारत जड़ता मेरे भाई का हमें लड़ा और कौन लड़ेगा। लेकिन एक ईमानदारी से आप देखो, अपने पड़ोसी हलके से देख लो, लोहारू में कहीं कोई थाना तहसील करी हो, किसी का भेदभाव करा हो या काम ना करे हो, फिर ये कई राजनीतिक परेशानी होगी। लोहारू में काम करे है तो इसका दुष्प्रचार कर दो, बोला पानी लोहारू में ले गए, तुषाम में कम कर दिया, बाल्डे में कम कर दिया, ये सरासर झूठी बात है। आप ईमानदारी से बैठे हो बिना नाले, मैंने पानी बढ़ाया घटाया, ईमानदारी तारे भी पंप बदले, सारी नहर भी ठीक करी, अफसरों को पूछ लो भाई, विषय कहा कि पहले तो शाम में पानी दो फिर लोहारू में दो। लेकिन सवाल का फर्क तो रहता है, बिल्कुल जी कनारा हड़िया जी टूटने का खतरा और रहा है, वो नहीं टूटने का। इस नहर में शिवानी कनाल में आज से 3-4 साल पहले कहते 150 क्यूसेक पानी आया करता, कहते 200 क्यूसेक आया करता, 450 डबल पानी चला रखता है। और हमने पिछले साल बात करी, अफसरों की मीटिंग करी, वो ने बोले जी भाखड़ा में पानी को नहीं, मैंने कहा भाई जुलाई अगस्त सितंबर में जमुना में पानी रहता है, दोनों नहरों को मिला दो, वो दोनों नहर मिला करके 3 महीने भी लगातार अपने पानी चल जा तो जमींदारा का फायदा हो जा। फिर हम सारे 20 साल में जितने पिंजरे लगे ड्रिप और स्प्रिंकलर, वो 2 साल में 3 साल में लगे, जिस भाई ने फार्म भर दिया सबके मंजूर करे, 85% सब्सिडी दी, फिर नई स्कीम लेके आया मैं कि भाई अपने खेतों में दिन बना लो, तारे भी रिश्तेदारी होगी, पहाड़ी में शहर में बाजू में पानी खत्म हो गया था, आज सैकड़ों आदमी ने डिग बना लिए, सरसा में हजारों ने बना लिए, आप लोग भी डिग बना लो भाई। देखो जिसके घर में रिजर्व है, इसमें काम का बुराई नहीं है, लेकिन कुछ आदमी ऐसा काम कर देते हैं। मैं तो एक चीज कहता हूं, पिछले 2-3 साल का 4 साल का हिसाब देख लो, मंडी पहल चाची चाली, खराबे का पैसा पहल चाचा दिया, ड्रिप इरीगेशन की सुविधाएं पहल से ज्यादा दी, बाजरे का भावंतर का पैसा दिया, कपास तलिया है आज 7-8 टनों 1000 रुपये बिकी, बाजरा का चैन 400 रुपए दिया तो 1800 वो भी बेचा, गेहूं का भाव पिछले साल अच्छा था, धान जो है पिछली सरकार बरोड़ा क्या करते, इतिहास में भाव नहीं हुआ जो बासमती धान है 5-5 हजार 5-5 हजार रुपए के जमींदार के। और एक चीज है जिसने भाई मारे पार्टी अच्छी को लग गए और कोई आवा चौक में जाके बैठे रहेगा और राष्ट्रपति से बोल देगा भाजपा वाले किसानों के खिलाफ बोला जमींदार मार दिया भाई। भाई ईमानदारी से बताओ के खराब कर दिया, कोई बिजली के रेट बढ़ाए हो तो बता दो, खाद का रेट बिजली का रेट 10 साल से वो गया है, ट्यूबवेल का रेट राजस्थान तक तब चेक कर लो भाई, हर साल फसल के थोड़े थोड़े भाव बढ़ावा, हाँ
जैसे तैसे करके किसानों के थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, जितना किसानों के हित में काम किया। मैं आपका भाई हूं, भाईचारा को हो तो मेरे कलम जिम्मेदार के खिलाफ चालक होने चाहिए, कुछ भी जाए मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। हमारा कोई खानदानी मंत्री पद कौन है भाई? लेकिन एक सिस्टम बन गया, अजय करे किसान का नाम ले दो। ये पिछले मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, पिछले 10 दिन पहले की बात बताऊं भाई, यूरिया चले दो फसला के बीच में, खरीफ और रबी के बीच में कुछ एक लोग या बुआ है सोनों की, दो तीन महीना की फसल है, आम हरियाणा की खेती बाड़ी की जमीन है 80-90 लाख किले, 50,000 किला में अंबाला में कुरुक्षेत्र में और वह भाई या सूर्यमुखी बुआ है, सूर्यमुखी की खरीद हमने छोड़ के आज तक देश में किसी ने करी को नहीं, कोई करता नहीं। इस बार क्या है कि तेल दुनिया में सस्ता हो जाए, पाम ऑयल तो भाव गिर के, सरसम के भाव भी गिर के और इसके सूर्यमुखी के भाव भी गिर के, सरसम के तो हम उसे जाम करते हैं, आयने जाम करते हैं, रोते बाहर पूछे तो किसने जाम कर रखा है, अभी तक किसाना ने कर रखा है, किसान का नाम करते कहेंगे तो वो बैठे अपन जात बना पाओ भाई। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन सच्चाई है हमने क्यों गाल कटवा लो, चलता तन्न प्रदर्शन करना है तो आड़े चौक पे बैठ जा, बहने वाले पे बैठ जा, चंडीगढ़ में बैठ जा, चलता है वे चीज करे उसे दिन एकदम से 100-200 आदमी 400 आदमी बैठ के जान करा दे, ये चीज अच्छी है क्या? आप ईमानदारी से बताओ, मांग जायज हो सकती है, मां उनकी अपना ये निगरता गलत है, लेकिन ये तरीका नहीं अगर गेटे में गुट्ठा टेक दे भाई, पैसे का काम तो पैसे चला गया, इसे पैसे ने तो बाजार वाले मांगे हैं, इसे पैसे ने गन्ना वाले मांगे हैं, इसे पैसे ने सूरजमुखी वाले मांगे हैं, इतना पैसा होगा तो बांट बांट के देगी भाई सरकार। हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला उनको हटा दिया, ये सारी पार्टी वाले यू कौन बताते हाईवे जान करार देख पाए रोला माचार सुप्रीम हाईकोर्ट का आदेश था, क्या किसाना का लक्ष्य बारी, मतलब एक चीज कोशिश करते हैं ये कि वे किसाना के हक में, ये हाँ हम किसान को नहीं, हम किसाना के बालक को नहीं, या हमने किसान मुंडे लागे, ये सिद्ध सिद्धा राजनीति करे तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। पिछले 2013-14 में खेती बाड़ी का बजट हरियाणा का 800 करोड़ रुपए था, 4000 करोड़ रुपए है, नहरों का बजट 4 गुना बढ़ाया है, जब तो एक पंप 40-40 साल के पुराने पंप बदले, नहरें सारी ठीक करी, बिजली का रेट नहीं बढ़ाया, पशुपालन का रेट बजट जो है वो 4 गुना कराया, भारत सरकार का बजट 2014 में 25,000 करोड़ का था जो 16 लाख करोड़ रुपये हो गया, 6,000 रुपये जमींदारा का डाला, 2,000 करोड़ के थोड़े लागे अपन है, लेकिन उन्होंने बिहार का नहीं जाके देखो, उन्हें दे रहा है 6,000 रुपये कीमत के है, 1.25 लाख करोड़ एक बार, 2 लाख करोड़ रुपये वो डल लिया। मैं ये नहीं कहता कि अभी सारे अमीर बना दिए, लेकिन कोशिश यह है कि जमींदारा का कुछ न कुछ भला किया जाए। राजनीति में आज कोई वोट मांगने नहीं आया, किसी पार्टी की बुराई बुलाई करने नहीं आया, लेकिन मैं तारे भाई ने जिम्मेवारी मिल ली है किसान की, मुझे बदनाम करते हैं और भाई बोल दे तो कहते हैं किसान के खिलाफ बोला है, मैं उनके खिलाफ आज बोल दूं जो किसान का चंदा खाते हैं, चंदा चोरी करते हैं, हाईवे जाम करते हैं, यू कहे तो किसान के खिलाफ बोला है। ये कई जगह चकबंदी की वजह से समस्या आ रही है, इसका भी समाधान मैं डीसी ने कह के करूंगा। आओ भाई ये भाव का बेटे समझा भाई समझाओ गड़ी कर रहे सरपंच बन, हमने एक काम कर दिया, आपत्ति के हिसाब से पैसे डालने शुरू कर रखे सारे जना, ग्राम सभा फैसला करे, सरपंच करे, जिला परिषद करे, इस पे मैंने बताओ
सारे प्रवाणी से लेके जिला परिषद की चेयरमैन टुकड़ा तारात में दे रखी है, गली फिर क्यों मांगो भाई? फैसला सारा प्रवाणी जिले का तो तुषाम हल्का करे है। आप जो गली की दरखास्त दे दो और तुम्हें कमी पेशी रहेगी तो मैं दुआऊंगा सरपंच ने भी जाए गली भी बनवाओ। भाई आपस में ना करो, सारे घर सरपंच सरपंच बने कौन बनाए तुमने बनाए उसको? मोटी समस्या काम तो हाँ बेटे यहाँ कभी आए एग्जाम में? आज आए आजा करो, आजा करो, आजा सुन ले इनका जोड़ कंबाइन करवा दे मोटर लगा दे जोड़ मैकेनिकल आन कह दे भाई तो कुछ भी दबा दो मैं आ रहा हूँ। बारिश में जो इनका पानी पा गया तो फिर किसी की तरह पंचायत से कराओ, फ्लड वालों से कराओ, नहर वालों से कराओ, मिकाटो से कराओ, अब कोई मतलब नहीं। उनका पानी झगड़ना चाहिए, अब बारिश में पानी नहीं झगड़ना चाहिए। ये आप देखते हो जो पिछले दो तीन साल का चार साल का हिसाब देख लो, मंडी में 440 खराबे का पैसा पहले 400 दिया, ड्रिप इरिगेशन की सुविधा पहले से ज्यादा थी, बाजरे का 72 का पैसा दिया, कपास तरिया है 8,000 रुपये, बाजरा का चयन 400 रुपये दिया तो 18,900 बोल दे क्या एक 2021 का बाउचर का केरोला है बड़ी देर मिलाऊंगा मिलाऊंगा भाई। एक बात समझो दोनों चीज तो बने कोई बीमा चाहिए बीमा चाहिए हमें 2021 का बीमा आपके दोनों सुन तो ले 22,350 करोड़ रुपए भिवानी जिले का है। मैंने लटपा चलना रोज केंद्रीय मंत्री से बात करता हूँ, वो भिवानी जिले का होगा, उसका अपना दिया होगा, लोहारू का दिया होगा और बराबर का हित है। तारा तो सामान है कि 21 है।